सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम जो है क्लैन कैपिटल के कुछ अटैक्स देखने वाले हैं। मेरे नहीं होंगे, कुछ फ्रेंड्स के होंगे, बट बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले भाई, आज का जो जस्ट थोड़ी देर पहले मैच एंड हुआ था एंड बहुत बुरा हुआ भाई। मतलब ऐसे मैचेस में याद सिर्फ एक इंसान का आता है, और मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जो इस वक्त MS धोनी के बारे में सोच रहे होंगे। क्योंकि आपको अगर याद हो तो चैंपियंस ट्रॉफी में यही इंग्लैंड की टीम थी और यही अश्विन थे हमारे, और भाई क्या जो है उस टाइम इंग्लैंड का हालत हुआ था। और बहुत सारी गलतियाँ है भाई। मेन चीज़ है, मेरे को मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, मेरे को क्या क्या चीज़ गलत लगता है अभी इंडियन टीम में खास करके। पहला जो है पूरा बॉलिंग जो लाइनअप है, मुझे लगता है सारे बॉलर्स बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं है। भुवनेश्वर कुमार पहले एशिया कप में इतना धुलाई हुआ उसका, फिर अभी वर्ल्ड कप में भी सेम चीज़ है। डेफिनेटली वो तो वर्ल्ड कप के बाद आउट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है अगर आप ध्यान दोगे तो एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जो कंसिस्टेंट 140 प्लस कंसिस्टेंट बॉलिंग कर पाए, प्लस जो कर भी सकते भाई वो कैसा, मतलब स्टंप पे भाई नहीं डालते आप। अगर 145 भी कर रहे हो आप सब भाई, उसको दो मारने के लिए तो मारे गई। मेन चीज़ वो है स्टंप लाइनअप भाई आज भी मेंटेन बिल्कुल नहीं था, वो एक चीज़ है। उसके बाद जो है स्पिनर्स, यस स्पिनर्स में जडेजा तो है अपना, दूसरा चहल है, ये दोनों सही है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, और भाई बहुत कुछ है बोलने के लिए, कभी और बोलूँगा। बट वही मेन चीज़ है जो है बॉलिंग लाइनअप काफ़ी ज़्यादा वीक है और हमेशा से रहा है इंडिया का जो है। कभी भी एक परफेक्ट, अगर समझो बुमराह है तो एक बॉलर है, बाकी के एक दो बॉलर वीक है, हमेशा से यही रहा इंडिया का। तो बॉलिंग लाइनअप का जो है सीन रहता है, बट MS धोनी जैसा अगर कैप्टन हो तो भाई उसको भी जो है मैनेज किया जा सकता है। बाकी भाई चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ रेड्स होने वाले, चलो देखते हो।